इधर आए और हम टिकट लेके जस्ट जा रहे हैं, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा है कि भीड़ में हमसे तो ब्लॉगिंग होने से रहा। बाहर पता नहीं सोनाली कर रही है नहीं कर रही है, बट जहाँ टिकट के लिए गए उधर हमसे तो नहीं हो पाया। और सोनाली इधर शायद वेट कर रही होगी अभी कहीं पे। और इधर दो टिकट मिलता है आपको, या तो सिर्फ गार्डन देखने का या फिर अटल ब्रिज का भी, और अगर दोनों लेते हैं तो 40 का मिलता है। हम बोल रहे ना, ये लोग भी शर्मा रहा होगा, हम भी शर्मा रहे थे ना शूटिंग किए, तुम लोग भी शर्मा रही हो। तो बस घूमना शुरू करते हैं, ये रहा कुछ नज़ारा अहमदाबाद का। फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ आए घूमने अटल ब्रिज, अटल ब्रिज ये रहा, और ये टिकट लेके आ चुके हैं। तो ये अटल ब्रिज, अभी देखते हैं अंदर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भीड़ देख के पहले ही हम लोग का सुट्टी फुट्टी गोल है, भीड़ तो इतना। और ये वाला जो भीड़ आप देख रहे हो, इस भीड़ में हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग जाके कुछ कर पाएंगे, बहुत ज्यादा। इसके साइड में टेम्पल, ये इस साइड में ऐसे कैफेटेरिया ये सब है, और इस साइड ये बाहर का सीन है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह पानी का फुहारा वगैरह है। हाँ, पहले हम लोग ये घूम के आएंगे फिर उधर जाएंगे। हाँ, भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि अंदर कुछ खास घूम भी पाएंगे हम लोग, भी यही लग रहा है। अभी बड़ा वाला लेंस चेंज करके विशाल छोटा वाला लेंस लगाए, दिक्कत भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ में काम ही नहीं आ पाएगा। वैसे भी दिन नहीं है कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, भीड़ दिखा रहे। और ये है ऊपर का सीन, और यहाँ से आप देख सकते हैं उस साइड के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है, लेकिन दूर से ये ज़्यादा सुंदर था। और इस साइड में नीचे जाने का भी रास्ता है, लेकिन पता नहीं क्या है नीचे। अच्छा, ये सोनपुर जैसा है, पानी में वहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, और अभी पता नहीं इससे कितना गुना ज़्यादा आगे हम लोग को जाना होगा, बट जितना दूर जाएंगे ओनली यही चीज़ हम लोग को दिखना है। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, यहीं से बैक हो जाते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज अभी घूमना फिरना का बात कम है, लेकिन भूख बहुत तेज लगा है। और कुछ कुछ फिल्मों हम लोग बनाए हैं, वो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये सिर्फ ब्लॉग आपको वहाँ पर दिखेगा। हाँ। बाकी ये छोटी बच्ची का ड्रेस दिखाओ जो बिल्कुल इस माहौल में मिल गया है, ये रही रेनबो का कलर है, बहुत अच्छा अच्छा पोज भी मार रही थी अपने पापा के सामने, उसके पापा फोटो ले रहे, बहुत अच्छा रहा है। हाँ, ये देखने में सामने से अच्छा लग रहा है, आपको कैमरे में उतना नहीं पता चलेगा। नीचे में जस्ट इधर इसके इस साइड फिर गंगा किनारे कह रहे हैं, गंगा सब गंगे जी बड़ी बिहार हो। और उस साइड में झूला भी है, और वो कुछ लाइटनिंग भी अच्छा अच्छा लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन छोटा सा रिंग लाइट जैसा दिख रहा है, ये झूला है बहुत बड़ा झूला, जो कि दूर में। और इस साइड में हमारे पति हैं जो कि फ़ोटो खिंचवाने हर जगह तैयार रहते हैं, लेकिन पोज नहीं पता रहता है, पोज हमसे पूछने लगते हैं। कुछ नहीं बोल रही है, दिन भर ट्रैवल करके आप एक घंटे मतलब निकलिए बिना आराम की, और उसके बाद कहिए कुछ वीडियो बनाना है, बनाना है इनको पता है, लेकिन कैसा बनाना है ये हम लोग से पूछेंगे, इनको भी परेशान कर देंगे पूछ पूछ के। आप फिर लास्ट में जो आदमी छोटा मोटा है उसको सब कुछ पता है, वो लोग बहुत अच्छा से अपना फोटो वीडियो बना रहा है, क्योंकि बिकॉज वो लोग ना फोटो वीडियो नहीं बना रहे, ओनली फोटो ले रहा। आप कदम कदम पे आप कहेगा कि पोज मर मर के फोटो लें तो कहाँ से होगा, घूमने आए हैं कि फोटो के लिए ही बताइए। सही बात है, घूमना फिरना है नहीं, बस हर कदम फोटो वीडियो फोटो वीडियो, जबकि सब सेम ही लग रहे हैं। दिक्कत है ना कि टेक अलग हो तो बात भी है, लेकिन सब सेम ही लगना है, फिर भी क्या फ़ायदा 10 एक जैसा लेने का। तो वही आगे चलते हैं गार्डन में। हाँ, फाइनली अब घूमने जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं घूमने जाते हैं या टेक लेने। बाकी ये जो है साइड से हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम लोग निकल चुके हैं उसमें से, उसी में थे, हमको लग रहा है आधा भी हम लोग नहीं पहुँचे थे जब हम लोग उधर से लौट गए। उसके जस्ट बाहर में कैफेटेरिया है इस साइड में, लेकिन हम लोग इधर नहीं खाने वाले, बिकॉज भूख जितना तेज लगा है ना, डायरेक्ट खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं थोड़ा थोड़ा खा के। फ्लावर पार्क, पार्क देखने हम लोग जा रहे हैं, बगल में जस्ट बगल में है उधर के पार्क में हम लोग इन कर गए। इधर पता नहीं फ्लावर पार्क लिखा हुआ तो है, बट फ्लावर दिख नहीं रहा, मे बी कि सीजन नहीं होगा, हम लोग थक भी इतना ज़्यादा गए हैं कि कोई चीज़ देखने का चलने का नहीं है। फ्लावर बहुत सारा है उधर, नहीं दिख रहा फ्लावर दिख रहा है, इसका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ, हम लोग तो नहीं बता रहे, आप ही लोग कमेंट करेगा। बाकी इसके जस्ट उस साइड में फाउंटेन है, जो कि हम फिर से कहेंगे, बार बार आपको कह रहे होंगे, लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि कितना बोलती है, बट सच में जो चीज़ आप कैमरे में देखेंगे उसका मज़ा अलग होता है, और सामने से देखने में थोड़ा अलग लगता है। ये सब चीज़ बार बार मेरे मुँह से निकल जाता है, थोड़ा झेल लीजिएगा आप लोग। और वो सब जो लोकेशन, हाँ, अब इस साइड से जैसे कि आप देख सकते हैं उस पर हम लोग गए थे, वही था वो ब्रिज जो है अटल ब्रिज, वही था
लेकिन अभी सामने से बहुत सुंदर लग रहा है साइड से, लेकिन गए हैं लोग तो एकदम नॉर्मल लग रहा था। हम लोग यहाँ जो ललका साग कहता लोग ना गेनरी वाला वो नहीं है, उसके जैसा है ये, उसके जैसा है बट वो नहीं है, ये उसके जैसा है बट वो नहीं है। और ये आपको पालक जैसा लग रहा होगा बट वो नहीं है, उधर लहसुन जैसा लग रहा होगा बट वो नहीं है। इधर सब कुछ का मतलब अच्छे से खेती हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि खाने पीने वाला, ये सब गार्डनिंग वगैरह है तो वो सब चीज़ है। बाकी जी बाकी फूलवाड़ी में हमें भालू दिखा जो कि घास से ही बना हुआ है, बेचारे का जीभ और आँख थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, बट इसको शेप दिया गया है प्लास्टिक में, इसको कवर करके मतलब कोशिश किया गया है उस शेप में ढालने का, बट थोड़ा थोड़ा वो सूखना स्टार्ट हो गया है। और इस साइड में बड़ा बड़ा घास कह सकते हैं, अब हम लोग जैसे लोग को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, मेरे जैसे लोग को तो हम घास ही कह देते हैं हम लोग के यहाँ। अच्छा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएगा लोग, कर्मा धर्मा में जो झूड़ी आता है ये वैसा ही लग रहा है ना, एकदम झूड़ी जैसा ही है। हम पास से दिखा देते हैं, ये एकदम झूड़ी ही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कर्मा धर्मा कौन लोग करते हैं वो भी बता दीजिएगा। उधर भी लोग जो और उस साइड में भी सब लोग थके हुए ही बैठे हैं, पार्क है बहुत अच्छा, लेकिन क्या है कि हम लोग थक गए ना, इस वजह से हम लोग को सब चीज़ अभी नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है। अपने यहाँ का झूड़ी तो हम लोग दिखा दिए, लेकिन अभी आप घेरौंदा जैसा भी देख सकते हैं साइड में, ऐसा है कि सब कुछ छोटा छोटा गार्डन घर पूरा ग्राउंड बनाया हुआ है। तो ये घेरौंदा किस किस को पसंद आया, हम फिर से घेरौंदा ही बोलेंगे बिकॉज आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, सेब से तो ये कुछ भी लगे बट छोटा है ना, तो इसलिए हम इसको घेरौंदा ही बोले। बाकी जो अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी था इसी पार्क में, और भी बहुत कुछ है बहुत कुछ, लेकिन दिन का होता तो ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ में। अभी रात हो गया दिन में आते तो गर्मी में हम लोग ये भी बात है, दिन में आते तो कहते कि धूप बहुत ज़्यादा है, शाम को आते तो अच्छा रहता। इस साइड में ये मत देगा कि तार का पेड़ है, लेकिन ये है एकदम स्टार स्टार जैसा, बड़ा बड़ा गोल 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 देख सकते हैं आप उस साइड में, एकदम गोल गोल और बड़ा बड़ा है घूम के हम लोग स्टार स्टार जैसा। हम लोग जा रहे थे लेकिन अच्छा चीज़ मिल गया, यूनिक चीज़ मिल गया, बहुत बड़ा बड़ा है ये गोल गोल, अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है बहुत, और पूरा ये भरा हुआ है, इधर गार्डन ही भरा हुआ है उस चीज़ से। चलिए बहुत कुछ है उस साइड में, आई डोंट थिंक सो कि आप कितना भी झेल पाएंगे, बट देखते हैं जो जो देखेंगे थोड़ा थोड़ा कैप्चर करते हैं। हमारे पति इसको झुलुआ झुला रहे हैं, पता नहीं क्यों, अरे बाप रे बाप, झुलुआ झुला दिए। बाकी ऊपर में ये ग्रीन सीट मास्क लगाया हुआ है, शायद इन लोगों में डायरेक्ट धूप लगे तो ही इसको हानि हो सकता है इसलिए। और उस साइड में पूरा लत्तर वाला है जो कि आपको अंधेरा में नहीं दिख रहा होगा। क्या ये सब ऊपर टांग चीज करते रहे, काटा है काटा। हाँ अभी सबसे टॉप नहीं कह सकते बट एक सेल्फी पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं जहाँ से सब कुछ दिख रहा है, और जहाँ से लोग अटल ब्रिज, यहाँ से पीछे में अटल ब्रिज दिख रहा है, और इस साइड में हमारे पति दिख रहे हैं, इस साइड से गार्डन दिख रहा है, इस साइड से कैफेटेरिया दिख रहा है। हम इसको देख के खुश बहुत हुए, लेकिन गार्डन के लोग पे खुश नहीं हुए क्योंकि उसमें हम सुने थे कि बहुत सारा फाउंटेन वगैरह चलता है या बहुत कुछ होता है, बट उतना कुछ हमको दिखा नहीं। कोई बात नहीं, शादी भी ऐसे ही होता है, लड़की के बारे में बहुत क्वालिटीज़ बताई जाती हैं भले वो हो ना हो, तो वैसा ही कुछ टूरिस्ट प्लेस भी होता है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पे हम डिनर करेंगे वहाँ से। उस टाइम हम लोग कैब सर्विस बुक किए, फाइनली हम लोग को मिल गया इधर कैब, तो वही बुक किए हमारे हस्बैंड फर्स्ट टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रॉड में आज दिन भर हम लोग घूमे तो रात को थोड़ा उस चीज़ से बचने का कोशिश किया जा रहा है। इस ब्लॉग को यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मानिक चौक अहमदाबाद में, बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे जहाँ पे बुक कर लोग जाते हैं। आज चार पांच बार रिपीट कर चुके, चलिए ना हमको भूख लगा है, भूख हमको भी लगा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बहुत दिन हो गए हम लोग को, करीबन डेढ़ दो महीना हो गया हम लोग को, तो कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये उम्मीद करके जा रहे हैं एग्जैक्टली वैसा मिले ना मिले वो चलते दिखाएंगे। और मान लीजिए बहुत बढ़िया मान लेते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं, सब कुछ इधर मिल रहा है, सब कुछ इधर ठेला लगा के मिल रहा है, मतलब मन कर रहा है उतर के।
अलग बात है, अभी हम लोग खाने के पीछे कुछ नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, इधर बहुत बड़ा मार्केट है, कितने दूर से ये स्टार्ट हम बता भी नहीं सकते। बहुत बड़ा मार्केट है, इस साइड है, इस साइड है, मतलब हर चीज़ मिल रहा है, ब्रांडेड भी अनब्रांडेड भी। जा रहे थे मानक चौक घूमने, लेकिन आ गए मानो के दुकान में हम लोग, यहाँ पे अभी खाने के लिए आ गए। इससे पहले भी एक होटल पे लेके गया ऑटो वाला ने, लेकिन वहाँ कुछ पसंद नहीं है तो हम लोग इधर आ गए। और ये होटल का नज़ारा है। और गुजरात में होके गूगल पे और फ़ोन पे बैन है, गूगल पे और फ़ोन पे इस दुकान पे नहीं चलते। और ऑर्डर देख रही है सोनाली, अगर कुछ कंफर्म होता है तो हम आपको बताएँगे, आप ला के रख देंगे। के फूल नहीं हुए, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, बाहर जाके बताएंगे क्यों। मार्केट घूमते घूमते हमको एक नाइट सूट पसंद पड़ गया, तो वो नाइट सूट आपको घर पे चल के दिखाएंगे आराम से कि कैसा है। हाँ। बाकी अगर आपको भी होने वाली बात के लिए अगर कुछ चाहिए तो इधर के मार्केट में शॉप पे ₹250 में पड़ेगा लेना, जो कि बहुत सुंदर सुंदर है। ज़्यादा देर रुके आदमी तो लेने का फिर मन करेगा उस टाइम में। और तुम्हारी सब्सक्राइबर इधर ही दिख रहा है तो। अब छोड़िए ना, जाने दीजिए। और ये रहा सॉफ्ट टॉय का दुकान, जो कि बहुत बड़ा बड़ा है यहाँ पे, बट हम कैरी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं ले जाएंगे। अगेन हम लोग अपने होटल पे वापस आ चुके हैं और डिनर भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ से भी ज़्यादा, जो हमारा घर था वहाँ से भी ज़्यादा, हमारे मतलब जहाँ हम घूमने आए हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और चलाकी ये हुआ कि जब होटल ले रहे थे तो सारे होटल में पहले खोज रहे थे कि एसी है, और लास्ट में रूम खोजते खोजते इतना इरिटेट हो गए कि जब ये रूम लिए तो इसमें देखे भी नहीं कि एसी है, पूछना ही भूल गए कि इसमें एसी है कि नहीं। और अभी रात को हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने का, और पता चल रहा है कि जिस होटल में हम लोग हैं एसी वाला कोई भी रूम में एसी ही नहीं है। एसी का जगह है वहां से नोचा गया है, लेकिन एसी नहीं है यहां पे। बाकी जो हम कह रहे थे होटल में कि इतना सही खा के निकल गए, बिकॉज अच्छा नहीं लगा, भूख बहुत तेज लगा था, लेकिन जैसे ही आया हम लोग का ऑर्डर तो फिर उतना अच्छा नहीं लगा, बस उठ गए वहाँ से, फिर दूसरे होटल में जाके खाना पैक करा के ले आए लोग, होटल में ही आके खाए हम लोग। पता नहीं क्या हो गया था उस समय, समझ नहीं आ रहा था। गए थे घूमने मानिक चौक, पता चला कि ना मानिक चौक घूमे, और उससे पहले भी मार्केट उधर बहुत अच्छा था, मतलब एकदम किफायती दाम में सब कुछ मिल रहा था। थोड़ा बहुत तुम लेके आए हो ना कुछ, वो घर पे चल के दिखा देंगे, घर चल के दिखा देंगे। बाकी इस व्लॉग में बस इतना ही, और ये वाला व्लॉग भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर वाला नहीं होगा, बट कल से पूरी तरह से नींद भी हो जाएगा हम लोग का अच्छा से, और फिर उसके बाद में नहा धो भी लेंगे लोग, तो कल थोड़ा और कोशिश करेंगे फ्रेश रहने का, कल थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से व्लॉग बना पाएं, या फिर थोड़ा इन्जॉयमेंट कल करें लोग। आज का दिन तो हम लोग का पूरा खराब गया। बाकी अहमदाबाद से अगर कोई मिलना चाहता है तो मौका है आपके पास एकदम, तो फैन लोग सर 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 ऑटोग्राफ प्लीज करके रहे लोग एकदम लाइन में। कोई नहीं, हम लोग उनका ऑटोग्राफ मांग लेंगे। अच्छा, पहले से मत बताइएगा, पहले से कहेगा हम कहीं जाने वाले हैं, और जब पहुंच जाएगा आपके जाने का टाइम आएगा तब कहेगा अहमदाबाद से कोई है। अगर अहमदाबाद से कोई है तो कल लास्ट डेट है, मिल सकते हैं तो मिल लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।